इसको यहाँ से खोलना होता है, खोलने के बाद ऐसा मिल जाएगा। हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टुडे आई एम गोना शेयर विथ यू दिस प्रोडक्ट। सो ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड आप थोड़ा गैस कीजिए क्या प्रोडक्ट होने वाला है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, मैंने ऑर्डर किया है एक एपिलेटर। इससे पहले भी मैंने एक एपिलेटर के ऊपर वीडियो बनाया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। सो आज मैं एक और एपिलेटर शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है लाल वाला उस पर क्लिक कर दीजिए। एंड चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो एपिलेटर है ये नॉर्मल एपिलेटर से थोड़ा अलग है, एक्चुअली ये बैटरी पे चलता है। चलिए मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ। तो ऐसे बॉक्स पे आपको मिल जाएगा एंड बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। सो पैकेजिंग ठीक ठाक है एंड अभी चलिए प्रोडक्ट देख लेते हैं। सो ये है ब्रोन का एपिलेटर एंड ये वेट एंड ड्राई में आप यूज़ कर सकते हो, जिस वजह से मैंने ये एपिलेटर लिया है, क्योंकि ऐसा एपिलेटर मुझे चाहिए था। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। इसको यहाँ से खोलना होता है एंड सबसे पहले जो आपको मिलेगा यहाँ पे एक बुक मिलेगा। सो ऐसा एक बुक मिल जाएगा एंड उसके बाद आपको टेंट कार्ड मिल जाएगा 2 इयर्स का। एंड देन आपको मिल जाएगा ये चार्जर कुछ ऐसा। सो ऐसा चार्जर आपको मिल जाएगा एंड फिर आपको ऐसा पैकेट मिल जाएगा जिसके अंदर एक ऐसा कैप मिल जाता है एंड एक ब्रश मिल जाता है। ब्रश में आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है। सो ऐसा मिल जाता है पैकेट में। एंड उसके बाद आता है हमारा एपिलेटर जो कि इसके अंदर ऐसे प्लास्टिक के अंदर होता है, मैंने इसको खोल लिया है। सो ये है एपिलेटर एंड आप देख सकते हो कितना क्यूट कलर है इसका। एंड ये इसका बैक साइड भी थोड़ा दिखा देती हूँ, बहुत ही क्यूट सा कलर है एंड मुझे बहुत प्यारा लगा। ये यहाँ पे रबर दिया गया है एंड ये प्लास्टिक का है पूरा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर भी बहुत प्यारा है। एंड ये इसका साइज है आप देख सकते हो। जब मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया तब ये ऑन ही नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि क्या हो गया, ये कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं मिल गया मुझे। लेकिन इसको चार्ज करना होता है, तो जब मैंने इसको चार्ज किया तब ये ऑन हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस पे क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको एक कैप मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा जोर से अगर खोलोगे तो ये खुल जाता है। सो ऐसा एक कैप मिल जाता है, ये मूव होता है, जो कि हेयर रिमूव करने के टाइम पे बहुत आसानी होती है। ये कैप होने के बाद ऐसा मिल जाएगा, तो आप इसको बहुत ही ईजीली साफ कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद ये हेड भी आप खोल सकते हो ऐसे एंड ये पार्ट भी आप साफ कर सकते हो, जबकि ये पार्ट साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये गंदा नहीं होता है। एंड इसको बस हल्के हाथ से ऐसे पुश कर दो तो ये लग जाता है। खोलते टाइम आपको यहाँ पे प्रेस करोगे ये खुल जाएगा एंड लगाते टाइम थोड़ा पुश करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना एंड ये भी थोड़ा सा पुश करो लग जाता है। सो बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसका, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 एंड 2 लिखा हुआ है, मतलब आप इसको एक बार प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाता है एंड इसको आप दोबारा प्रेस करोगे तो इसका स्पीड बढ़ जाता है। सो ऐसे ये अप्लाई होता है, इसका एक साउंड होता है, तो अगर मैं इसको ऑन करूँगी तो मैं क्या बोल रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अभी प्रेस नहीं कर रही हूँ। बाकी मैं इसका साउंड भी सुना दूंगी, इसका साउंड ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम साउंड है इसका। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। सो ऐसे ये ऑन होता है एंड चलिए अभी ये अप्लाई करते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा काम करता है और ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं वो भी मैं बताती हूँ, पर पहले ट्राई करते हैं।
इतने अच्छे से काम करता है। एंड या ये वैल्यू फॉर मनी है। इसका प्राइस था 3000 रुपीज़, एंड 3000 रुपीज़ में मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये वेट एंड ड्राई है तो गीला भी कर सकते हैं, एंड इसमें बैटरी है सो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। इसका चार्ज 30 मिनट तक रहता है, सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसका नॉइस भी बहुत ही कम है। इस पर आपको 2 ईयर्स का गारंटी कार्ड भी मिल रहा है। सो ये मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग एंड बाकी जो सब चीज़ें हैं हर चीज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी पसंद आया। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर आपका हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो पहले आप ट्रिम करें उसके बाद एपिलेटर यूज़ करें, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। बाकी एपिलेटर से कम ही पेन होता है, बट अगर आप ऐसे लंबे हेयर पे आप इसको अप्लाई करोगे तो पेन होगा, काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। एंड या ये स्किन को रफ़ तो नहीं करता है, बट अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप क्रीम या फिर जेल यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्कुल भी। ये मैं हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ, आप लोग डेफिनेटली एक बार ट्राई करें, एंड या आप लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगा कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। सो गाइज, अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगे, आप खरीदना चाहते हो, तो मैं नीचे इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोग जरूर चेक कर सकते हो। एंड या आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।